अगर आप ट्रेन में सफ़र करने में खाने पीने का सामान लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब ट्रेनों में खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। हालांकि जनरल कोच यात्रियों को राहत देते हुए जनता थाली की कीमत नहीं बढ़ाई है। बता दें कि रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर फिलिप वर्जेश ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन ने खाने पीने की बड़ी दरें भी लागू कर दी हैं। बता दें कि सिर्फ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ही यात्रियों से कीमतें ली जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले रेलवे ने वीआईपी ट्रेनों में खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ा दी हैं। इनमें टिकट बुक करने के समय ही भोजन का पैसा ले लिया जाता है। इसी के चलते 4 महीने बाद नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया है। दूसरी ओर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में खाने पीने की बढ़ी कीमत लागू कर दी गई है। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी दरों पर ही सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे की ओर से सभी पेंट्री कार मैनेजरों को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द नई दरों की रेट लिस्ट लगा दें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।